वेलकम टू आवर चैनल सेजल व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी वही काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि स्कूटी में बहुत ज़्यादा ये ऑयल कंटेनर लगाया जा रहा है, मतलब कि शो के लिए है वो, इसका कुछ काम नहीं होता है। तो वही मैंने भी सोचा कि आज मैं भी ट्राई कर लेता इसको। तो आज का इस ब्लॉग में हम लोग ऑयल कंटेनर लगाएंगे अपने स्कूटी में, जो कि पीछे खड़ा है अपने एंटॉर्क में। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था ऑयल कंटेनर, जो कि मैं अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें हम लोग को मिलता है। तो इसमें ये हो गया, हम लोग का बॉक्स मिला है। इसमें क्या है, ये हमने कौन सा मंगाया है, ये है बी एस डी डी पी का हमने ये ऑयल कंटेनर मंगाया है। तो इसमें क्या मिलता है हम लोग को, कंटेनर। तो इसमें हम लोग को मिला है ये ऑयल कंटेनर मिला है हम लोग को, जो कि इस टाइप का है। इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नहीं क्वालिटी अच्छा लगा इसका। तो और हम लोग को क्या मिलता है इसके साथ, ये इसका ऑयल कंटेनर का ये पाइप मिलता है, जो कि फ्लूइड को पास करने के काम आता है। और ये कुछ छोटे मोटे नट बोल्स हैं और कुछ एसेसरीज है, जो कि हम लोग का ऑयल कंटेनर इसमें लगाने का काम आएगा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें मिलती है। तो इसको हम लोग टेबल में सजा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें और अंदर में ये सब क्या क्या मिला हुआ है। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, टेबल आ चुका है। अब इसमें हम लोग सारा सामान निकाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को मिला है। एक ये सपोर्टर हो गया और ये कुछ इस टाइप के नट बोल्ट्स हम लोग को मिले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को, ये BHDT में हम लोग को ये सब मिलती है। तो इसको लगाने के लिए, इस चीज़ को लगाने के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। पहला हो गया हम लोग का स्टिंग, हो गया स्टिंग तो हम लोग को चाहिए ही। फिर उसके बाद ये मैंने आफ्टर मार्केट ले रखा है, क्योंकि ये मेरे को इसके साथ नहीं मिला है, इसमें कुछ सपोर्ट के लिए। मैं आगे बताऊँगा आपको ये क्यों मैंने लिया अलग से। फिर ये है मेरा मिरर का ये स्टैंड है, ये वाला मिरर का क्या बोलते हैं इसको, मिरर इसमें अटैच होता है। फिर एक एलन की का ज़रूरत पड़ेगा, ये वाला एलन की का, और एक ये पेचकस का, और एक हम लोग का ये की हो गया। सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, और मैं अब आप लोग को दिखाता हूँ ये सबको कैसे इसमें अटैच करना है हमारे एंटॉर्क में। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो हम लोग का जिसमें मिरर अटैच होता है, इसमें मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे मिरर हटा रखा था, तो आप लोग को इस साइड लगाना है। आप मतलब कि अगर आप लगाते हैं तो आपका ये राइट साइड पड़ेगा, राइट साइड में आपको लगाना है। लेकिन इस तरफ मेरा थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ था, टूट गया था यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना मिरर का जो ये जो होता है जिसमें मिरर अटैच होता है, इसको पहले कस लेना है। यहाँ पर आपको वापस लगा लेना है। अगर आपने आपके पहले से लगा हुआ है तो सही है, ये तो आप लोग को इसको लगाना है वापस, क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए, इसको लगाना ही पड़ेगा। तो अच्छे से टाइट से लगा लेना है। देखिए टाइट से लग चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको। फिर आपको इस टाइप का ये बोल्ट आपको लेना पड़ेगा, ये है आपका बोल्ट, और ये कुछ ये मैंने वाशर ले रखा है, ये वाला वाशर। तो इसको आपको इसके इस टाइप से फिट कर लेना है। अगर आप लोग को उसमें मिल जाता है प्रोडक्ट के अंदर पहले से, तो आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे को प्रोडक्ट में शायद नहीं मिला है, या फिर गलती से उन्होंने नहीं डाला, तो इस टाइप से बोल्ट के अंदर मैंने ये वाशर को इसको फिट कर लिया। अब इसके साथ मेरे को ये चीज़ को फिट करना है इसमें, ये जो मिलता है प्रोडक्ट के साथ, तो ये इस टाइप से इसमें लग जाएगा और ये यहाँ पे इस टाइप से अटैच हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये ऊपर की साइड रहेगा इस टाइप से,
और इसको इसमें ऐसे कस देना है। इसमें ये बोल्ट आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ेगा अगर नहीं मिलता है तो, नहीं तो फिर आपको अगर प्रोडक्ट में मिल जाता है तो ये आराम से आप लगा सकते हैं इसमें। तो ये हो गया, इस टाइप से इसमें फिट हो गया, इसको मैं कस देता हूँ। ये हो गया है पूरा टाइट। अब हम लोग इसमें लगाएंगे अपना हमारा ऑयल कंटेनर, जो कि यहाँ पे लग जाएगा। तो ये है हमारा ऑयल कंटेनर, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, अच्छा है ये इसका क्वालिटी। तो ये ऑयल कंटेनर को पहले यहाँ पे जोड़ना है, पहले एक वाशर ले लेना है, वाशर के साथ कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है, इस टाइप से दिख रहा है, इस टाइप से इसको अटैच कर लेना है वाशर को इसके ऊपर रख के। फिर यही जो नट, ये जो बोल्ट है, इसको अंदर यहाँ डाल लेना है और इसके बाद यहाँ से इसको हल्का सा कस लेना है। और इसको कसने के लिए हम लोग को ये एलन की का ज़रूरत पड़ेगा, और इस एलन की से इसको इस टाइप से इसको हम लोग टाइट कर लेंगे, पूरा टाइट से लगा देंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है यहाँ पे हम लोग का ऑयल कंटेनर, यहाँ पे ये स्टैंड एक हम लोग का तैयार हो चुका है। तो हम लोग को ये जो पाइप मिलता है इसके साथ, ये पाइप को हम लोग को एक साइड से ब्लॉक कर लेना है, क्योंकि इसका ये ऑयल कंटेनर का हम लोग की स्कूटी में कोई काम नहीं है, ये बस शो के लिए। तो इसको एक साइड से हम लोग को ये ब्लॉक कर लेना है। मैंने इसमें प्लास्टिक और रुई डाल के मैंने इसके ऊपर फेबिक्विक से इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, इस साइड से हल्का सा गर्म करके ब्लॉक कर लिया है। और ये साइड से हम लोग ऑयल कंटेनर को हम लोग अटैच कर लेंगे कुछ इस टाइप से। इधर दिखा दीजिए, दिख रहा है ये वाला, ये नीचे वाला। तो ये वाला पाइप जो रहेगा ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ एक ये वाला जो स्क्रू, ये वाला जो टाइट करने के लिए पाइप को अच्छे से जो पकड़ के रखता है उसको यहाँ पे आपको लगा लेता है। और यहाँ पे इसको नीचे से इसको कनेक्ट करके, और ये जो ब्लॉक जो पोर्शन है, ये जो पाइप का जो ब्लॉक पोर्शन है, इसको आप कहीं पे भी ऐसे डाल दीजिए अंदर बस। अभी से ही इसका लुक थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है, अच्छा दिख रहा है ना। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग को ये कैसा लग रहा है। अब इसका लास्ट पार्ट आता है, अब हम लोग इसको ऑयल कंटेनर का ढक्कन खोलेंगे और इसमें स्टिंग डाल के आप लोग को दिखाएंगे कि किस टाइप का इसमें लुक आता है। आपको पेचकस ले लेना है और ये जो दो नट जो स्क्रू दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों को खोल लेना है। काफ़ी ज़्यादा टाइट लगा रखा है मेरे, इस टाइप से दोनों स्क्रू को खोल लेना है आप लोग को। और ये हो गया आपका स्क्रू, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और काफ़ी ज़्यादा लंबा स्क्रू दिया हुआ इसमें, कुछ ज़्यादा ही लंबा स्क्रू दिया हुआ इसमें। तो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और अंदर थोड़ा सा ये रबर टाइप का यहाँ पे मिलता है आप लोग को, रबर जैसा ही लग रहा है, हाँ रबर ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। तो इस टाइप से ये कंटेनर आपका दिखता है, अंदर दिखा, इतना स्पेस है इसमें कि मेरा इतना उंगली आ जा रहा है इसके अंदर। अब हम लोग इसमें आपको स्टिंग डाल के दिखाते हैं।
तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है हम लोग का ऑयल कंटेनर। और इस साइड से अगर आप देखिएगा तो ये इस टाइप का दिखेगा कुछ। ये आप लोग को उस तरफ लगाना है, मैंने इस तरफ लगा के दिखाया है। तो ये हम लोग का लग चुका है। कमेंट में बताइए आप लोग को ये कैसा लगा और आप लोग लगाना चाहेंगे या नहीं और कैसा लग रहा है इसमें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।